हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज चलिए देखते हैं कि कैसे बहुत कलरफुल प्लांट्स हम लोग छोटे एरिया के लिए छोटे कंटेनर्स में कैसे लगा सकते हैं और इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। ये पूरी टेबल कलरफुल प्लांट्स से भरी हुई है और अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है बालकनी में, गार्डन में या टेरेस पे या ग्राउंड पे, तो ये आपके लिए सारे प्लांट्स हैं। और इतनी कलर है इसमें, हर प्लांट का कलर अलग है। और मैं बताऊंगी कि ये कैसी सॉइल में लगाएं, कैसे इसकी केयर करें और कौन से प्लांट लगाएं जिसमें बहुत कलर भी हो, इजी टू मेंटेन हो और बहुत अच्छे से लंबे टाइम के लिए ग्रो करते रहे। जो मैंने प्लांट चूज किए हैं उनमें सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनकी रूट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डीप नहीं है। जो टैप रूट सिस्टम होती है बहुत डीप जाती है वो नहीं है। छोटे प्लांट्स हैं और हो जाते हैं बड़े, जैसे ये प्लांट स्विस चीज प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है मगर छोटे में भी रह जाता है। छोटी कम सॉइल हो, रूट्स छोटी रहे, तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो कुछ हम लोग प्लांट्स देखेंगे और उनकी केयर सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से ग्रीन प्लांट्स हैं, पर्पल प्लांट्स हैं, हर कलर के हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउनिश कलर के हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्पल प्लांट से। ये है ऑक्सैलिस का प्लांट, पर्पल शैमरॉक भी कहते हैं इसको। ये बल्ब से ग्रो करता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप रूट, तो बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे कंटेनर में भी लगाते हैं ये बहुत इजीली हो जाता है। ये क्रीपिंग चाली है, इसकी कटिंग से भी हो जाता है और ये भी बहुत कंटेन्ड कंटेनर में, छोटे कंटेनर विथ प्रॉपर ड्रेनेज वाली सॉइल, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सब में एक चीज कॉमन है, सॉइल की, इनकी सॉइल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग, पानी डाले और निकल जाए। क्रीपिंग चाली में भी यही है। ये हवाथिया, ये एक सर्क्यूलेंट है, ये भी बहुत शैलो रूट्स रहती हैं इसकी, मगर पानी में बहुत देर तक खड़ा रहे तो ये खराब हो जाता है। थोड़ा ड्राई स्पेल बर्दाश्त कर लेता है मगर ज्यादा पानी से बहुत जल्दी रूट रॉट होती है। ये भी एक सर्क्यूलेंट है। ये टैंगल्ड हार्ट्स है, ये भी बहुत प्रिटी प्लांट है जो ट्रेल करता है, आपका छोटा सा कंटेनर पूरा भर देगा। ये भी एक सर्क्यूलेंट ही है। सॉइल प्रॉपर हो इसकी भी, इनफैक्ट मैं सबके लिए बता रही हूँ, सॉइल अगर परफेक्ट है, बहुत अच्छी ड्रेनेज है, तो आपको कभी भी किसी भी छोटे या बड़े कंटेनर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे में ज़्यादा स्पेशल केयर है क्योंकि ये कंटेनर छोटा होता है और सिलेक्शन ऑफ प्लांट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पानी बहुत देर तक नहीं रह पाता, तो इसको थोड़ा रेगुलर पानी देना पड़ता है। और इसकी केयर ये है, इसकी लोकेशन ध्यान रखें। ये भी एक सर्क्यूलेंट है, मदर ऑफ थाउजेंड्स, ट्यूबी फ्लोरा कहते हैं इसको, कलेंचू ट्यूबी फ्लोरा। और इसकी प्रोपगेशन बहुत नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से होती है। जो ये टिप्स हैं इनमें प्लांटलेट्स आते हैं और ये गिर के इसमें प्लांट्स बन जाते हैं, जैसे इसमें हैं छोटे छोटे। तो ये कलेंचू ट्यूबी फ्लोरा भी बहुत इजीली इसमें ग्रो कर जाता है। ये देखिए, ये सब प्रोपोगेशन हुआ हुआ है। नेक्स्ट है ये वाला स्विस चीज प्लांट, इसमें भी सेकेंडरी रूट्स आती हैं, इसको ग्रो करना भी बहुत इजी है, ये पानी में भी प्रोपोगेट हो जाता है। ये एक सर्क्यूलेंट है, फ्लिप जैक कहते हैं इसको, सर्क्यूलेंट कैलेंचू या कैलेंकोई, और ये बहुत छोटे से कंटेनर में हो जाता है। ये इनफैक्ट खाली एक लीफ से भी ग्रो कर जाता है। ये कलर देखिए इसका कितना प्रिटी है, छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। ये थोड़ी मॉइस्चर लाइक करता है, क्रिप्टैंथस है ये, क्रिप्टैंथस कहते हैं। बहुत ही प्रिटी लीव्स, छोटा रहता है ये कई कलर्स में आता है। ये
कलंचू जो हम लोग की फ्लावरिंग करेगा अभी, ये भी छोटे से छोटे कंटेनर में हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी हो जाती है। एलोवेरा जो आप जानते हैं कि ये छोटे से छोटे इजी टू ग्रो इजी टू केयर कंटेनर्स में और प्लांट है ये ऐसा जिसमें केयर बहुत कम है। ये भी एक कलंचू टाइगर कहते हैं इसको, इसकी भी वैरायटी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत छोटे कंटेनर में हो जाता है। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए टिप से इसकी एक बेबी प्लांट निकलता है और ये गिर के नया बेबी बनता है। ये ट्रायोस्टार है, रोयो ट्रायोस्टार, बहुत प्रिटी लीव्स है इसकी। ये भी छोटे कंटेनर में हो जाता है। ये लगता बहुत प्यारा है, इसकी लीव्स नीचे से इस कलर की होती है। तो ये कितने कलर्स आ गए आपके गार्डन में छोटे से जगह में। ये सिंगोनियम है, हर सिंगोनियम तो छोटे कंटेनर में नहीं हो पाता, जो छोटी वैरायटी है वो इजीली हो जाती है। ये कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है, वेलवेट जैसा लग रहा है। इसका नाम है सिंगोनियम वेडलैंडी। ये पर्पल हार्ट, पर्पल कलर का, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं पिंक कलर के। तो ये सारे कंटेनर्स हैं छोटे में, बहुत छोटे हैं, आपके गार्डन में बालकनी में बहुत प्रिटी लगेंगे। आप इनको कुछ देर के लिए इंडोर्स भी रख सकते हैं। ज़्यादातर सारे प्लांट सॉइल का ध्यान रखिए, लोकेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। छोटे कंटेनर हैं, छोटे प्लांट्स हैं, तो अगर मई जून की गर्मी होती है तब इसको थोड़ा आप शेड में रखिए, किसी प्लांट के नीचे या इंडोर्स ब्राइट लाइट में। और विंटर्स में तो ये इजीली ग्रो कर जाते हैं, बस फ्रॉस्ट से बचाइए। मॉर्निंग सन मिलता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वाटरिंग तभी करें ज़्यादातर सब प्लांट्स में, यही रूल है कि जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए तो आपके पास ये सारे प्लांट्स परमानेंट रहेंगे और बहुत खूबसूरती से कलर देते रहेंगे आपके गार्डन को और बहुत प्रिटी लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो छोटे कंटेनर्स की कैसे केयर करें और क्या क्या प्लांट्स लगा सकते हैं ये अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।